कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्यारे बाप दादा जी की अलौकिक संतानों, ईश्वरीय कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण बहनों और भाइयों, मधुबन और ये शांतिवन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सबको एक विशाल वृहद परिवार को देखने का, मिलने का अवसर मिलता है। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा परिवार सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है। ऐसा परिवार ना तो सारे कल्प में कभी हुआ है किसी का और ना कभी होगा। छोटा इसलिए है कि इसके अंदर बहुत थोड़े से रिश्ते हैं। क्या? माता पिता भाई बहनों का छोटा सा परिवार है। इसके अंदर माता है, पिता है, भाई और बहन है, छुट्टी। और बड़ा किस तरह से है कि ये परिवार सारे विश्व में फैला हुआ है। ईश्वरी परिवार है, रूहानी परिवार है। और इसको स्नेह के धागे में बांधने वाला कौन है? इतनी बड़ी माला में पिरोने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा और ये ब्राह्मण कुल, ऐसा मिलन केवल संगम पर होता है। और संगम पर भी कहाँ होता है? हमारे अपने सेंटरों में नहीं हो सकता, हमारे जोन में नहीं हो सकता, मधुबन में ही होता है। और इसीलिए इसका नाम है मधुबन। मधु मैंने मीठा और बन मैंने न्यारा। तो न्यारा और प्यारा परिवार आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और इस बार तो क्योंकि लास्ट, बाबा कहते हैं लास्ट टुब की है इस सीज़न की, तो इसकी संख्या भी हद से भी ज़्यादा हो गई है। तो बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया वाले परिवार को छोटा करना चाहते हैं और बाबा के बच्चे कहते हैं जितना बड़ा हो जाए उतना अच्छा है। हम आपस में किसी न किसी विषय पर तो चर्चा करते ही हैं, और जो कुछ भी हम आपस में चर्चा करते हैं वो बाप दादा के दिए हुए ज्ञान की, शिक्षाओं की, धारणाओं की ही चर्चा करते हैं। तो इस स्थान पर, इसको दुनिया से न्यारा स्थान नए आने वाले भी समझते हैं कि हम जैसे दूसरी दुनिया में आ गए, क्योंकि इस स्थान पर या तो योग तपस्या होती है और या ज्ञान चर्चा होती है। तो इसका वाइब्रेशन ही न्यारा है। इसीलिए कहा जाता है कि मधुबन में जो कुछ अनुभव होता है वो बाहर जाके कोई वर्णन करे तो कर नहीं सकता। कुछ भी शब्द बोलेगा
उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा। इसलिए महान 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 सौभाग्यशाली आत्माएं ही यहाँ पर आती हैं। अभी तक भी नए बच्चे बाबा के आ रहे हैं, जिन जिन को वर्षा लेना है आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस विशाल डायमंड हॉल में, इस क्लब में पहली बार आए हैं, वो अपना दायां हाथ उठाओ, आधे से भी ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ आने की मुबारक हो, और अपने लिए ही ताली बजाओ कि जहाँ बड़े बड़े सन्यासी नहीं पहुँच सके, विद्वान नहीं पहुँच सके, साइंसदान नहीं पहुँच सके, वहाँ बाबा के बच्चे बाबा से वर्षा लेने के लिए बेहद का पहुँच गए हैं। आपको बहुत 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 मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जीवन के अंदर हर प्राणी क्या चाहता है, और जो वो चाहता है, जितना वो चाहता है उसको वो उतनी प्राप्ति होने की तसल्ली क्यों नहीं है। और इसी विषय को नाम दिया गया है कर्मों की गति। आज दुनिया में अनेक कानून, कायदे, लॉज बनते हैं, इतने कानून बनते हैं, इतने कानून बनते हैं दुनिया को ठीक करने के लिए कि लोग राइट कर्म करें। कि जैसे किसी बहुत पुराने रोगी को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर उसके आसपास बैठ जाएं, बल्कि अस्पताल में ही उसको रखा जाए कि इसका इलाज किया जाए। नहीं तो डॉक्टर के पास तो कभी कभी जाते हैं दवाई लेने, लेकिन उनको सदा के लिए डॉक्टर चाहिए। तो सारे विश्व में, हर देश में एक परमानेंट ऐसी व्यवस्था की गई है जिसका सुबह से शाम तक एक ही काम है, क्या? कानून बनाते जाओ, और कानून बनाते जाओ, और कानून बनाते जाओ, नए नए कानून बनाते जाओ, ताकि दुनिया में सब ठीक कर्म करें, कोई गलत कर्म ना करे। हर देश में पार्लियामेंट, असेंबली, जिसका काम है कानून बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। मैं खुद भी वकील हूँ, आप किसी वकील से पूछ लो कि तुम्हें सारे कानूनों का पता है जो बन रहे हैं या बन चुके हैं, वो कहेगा कि किताबें मैं सब रखता हूँ, कोई केस आ जाता उस वक़्त पढ़ लेता हूँ, इतने कानून कौन याद रखेगा। और समाज की हालत क्या है, जिसको कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, कि जितने कानून बढ़ते जा रहे हैं उतना गैर कानूनी कार्रवाई भी बढ़ती जा रही है। इसलिए कर्मों की गति का ज्ञान और भी ज़्यादा है, बहुत सहज आसान, लेकिन बहुत परम आवश्यक है। सारा विश्व, मानव समाज केवल एक कानून से चलता है, छोटा सा कानून, क्योंकि उस कानून के महत्व को नहीं समझते, इसलिए ये हालत हुई है कि इतने अनेका अनेक कानून बनाते जा रहे हैं, कचहरियाँ बनाते जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बनाते जा रहे हैं, जेल बनाते जा रहे हैं, कि शायद समाज सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। और जब इस कानून को जानते थे
और इस पर चलते थे तो हर एक का जीवन सुखी था, समाज भी सुखी था और थाना कचहरी जेल इसका नामो निशान नहीं था। इसलिए बाबा के बच्चे लकीएस्ट हैं कि बाप दादा ने हमें जो श्रीमत दी है और उसको पालन करने की जो शक्ति देने की विधि बताई है उसका आधार एक ही कानून है। सारे ज्ञान का सार क्या है? जो करेगा सो पाएगा। इसलिए हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हम हर एक आत्मा जो करेगी उसको उसका फल मिलना अवश्यम भावी है। उसका फल ना कोई दूसरा ले सकता है ना कोई उससे छीन सकता है। कितनी तसल्ली की बात है कि मैं करूँगा तो मुझे अवश्य मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये है कर्म का एक ही नियम, एज यू सो सो शैल यू रीप। बस बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, ये ओरिजिनल एक नियम है। अब इस नियम को हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार जाना है, अनेका अनेक मुरलियों में इसकी व्याख्या आई है। कर्म कितनी प्रकार के होते हैं, कब कैसे कर्म होते हैं, कर्मों की गुह्यता क्या है, ये सब हमको समय प्रति समय समझाया जाता रहा। फिर भी क्या कारण है, दुनिया वालों को तो छोड़ दो, फिर भी क्या कारण है कि ऐसी कौन सी बात है कि सब कुछ जानते बूझते समझते सुनते दूसरे को सुनाते फिर भी हम धोखे में आ जाते हैं, दुख देते हैं दूसरे को, घबरा जाते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि जो गहराई में नहीं जाता वो घबराता है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ। किसी चीज़ को अच्छी तरह से ना समझेंगे तो उसको कोशिश करेंगे करने की और सफलता नहीं मिलेगी तो घबराहट पैदा हो जाएगी। और बाबा कहते हैं धोखा कौन खाता है, धोखा कौन खाता है, जिसने उस बात को कुछ ना कुछ समझने में कहीं ना कहीं एक आध दरवाज़ा उसका खुला है इसलिए धोखा खाता है, इसलिए दुखी होता है। तो जबकि बाबा ने हमें कहा कि आपके लिए मैं वह दुनिया बना रहा हूँ जहाँ दुख का अशांति का नाम निशान नहीं है, सदा सुख और शांति है, इंद्रिय सुख है, तो बाबा के बच्चों को तो कम से कम उसकी अनुभूति होनी चाहिए और अभी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई डेट तो फिक्स नहीं है, ऐसा कोई बॉर्डर तो फिक्स नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा ये डेट क्रॉस करेंगे तो सतयुग शुरू हो जाएगा, या ऐसा कोई बॉर्डर है कि कलयुग की लीक क्रॉस करेंगे तो सतयुग आ जाएगा और सभी उसमें आ जाएंगे। इसलिए इस कर्मों की गति को जानकर उसका अनुभव करके और अनुभव करने में जो शिक्षा मिलती है, जो हमें उसमें लेसन मिलता है, उसको लेते रहेंगे तो तरक्की को पाते रहेंगे। हमारी मम्मा का एक पक्का स्लोगन था, वो क्या था कि किसी भी गलती को रिपीट नहीं करना, क्योंकि गलती तो होगी, जब आगे बढ़ेंगे तो माया
उसी रूप में तो नहीं आएगी जिसमें पहले आई थी, उसको तो हमने पहचान लिया है। जैसे स्टूडेंट की परीक्षा होती है तो अगले वर्ष में नई क्लास के नए पेपर आते हैं, उसके अगले वर्ष में फिर नई क्लास के और भी नए पेपर आते हैं, तो हमारी अंत तक पढ़ाई जब तक चलती है, जब तक हम कर्मातीत नहीं बनते, तो माया के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप आते रहेंगे। लेकिन जिस रूप को हम जान चुके हैं, जिससे एक बार धोखा खा चुके हैं, उससे दोबारा धोखा नहीं खाना, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए परीक्षा से घबराना भी नहीं, क्योंकि परीक्षा होगी तो हम अगली क्लास में जाएंगे। जब तक ये हमारा शरीर है, परीक्षा आती रहेगी। इसलिए कभी ये नहीं समझना है कि हम माया प्रूफ हो गए हैं, कि हम अब किसी से धोखा नहीं खा सकते। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ऐसा सोचा तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हमको पूरा ज्ञान हो गया, अब हमें ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हमें दूसरों को ज्ञान सुनाना है, और लापरवाह हो गए, गफलत में आ गए, अपने अस्त्र शस्त्रों को किनारे कर दिया, तो समझ लो कि कुछ होने वाला है। इसलिए सैनिक का जैसे एक योद्धा होता है, उसका काम सदा सावधान रहना है। बाबा ने वैसे कहा है कि आपको योद्धा रूप से क्रॉस करके अब मुरलीधर रूप बनना है, नाचने वाले बनना है, और उस अवस्था को बढ़ाना है और योद्धा की अवस्था को ख़त्म करना है। लेकिन तब जब हम अच्छी तरह से अपने आप को विजय महसूस करें। इसलिए अब आप देखिए कि क्या क्या अनुभव हम लोग करते हैं। पहली बात तो ये, राइट और रॉन्ग, गलत और ठीक। आप कहेंगे कि ज्ञान का तो अर्थ ही ये है कि गलत को गलत कहना और ठीक को ठीक कहना, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। ये तो बात ठीक है, परंतु धोखा कैसे होता है? अगर आप किसी किसान से, अनपढ़ किसान से पूछें कि भाई सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या जवाब देगा? वो कहेगा, जी मैं तो धरती पर खड़ा हूँ, खेत में खड़ा हूँ, सुबह सूर्य इधर से निकला था, अभी दोपहर में मेरे ऊपर है, शाम को इधर चले जाएगा, डूब जाएगा, धरती तो खड़ी है, सूर्य घूम रहा है, ठीक है। और असलियत क्या है? जो एलिमेंट्री ज्योग्राफी जानता है वो समझता है इसका उल्ट है, हैं? सूर्य खड़ा है, धरती घूम रही है, तो धोखा हो गया। इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं, देखो ये गलती कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये एक विघ्न रूप है, और मेरी अशांति का कारण, मेरे दुख का कारण ये है, हम कहते हैं कि नहीं कहते? मुझे गुस्सा नहीं आता, इसने बात ही ऐसी की मुझे गुस्सा दिला दिया, हाँ कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा, मेरी इतने शांति से मैं रह रहा था, ये व्यक्ति मेरे कमरे में पता नहीं किसने भेज दिया है, हैं? मेरी तो नींद खराब कर दी। ये देखो ये व्यक्ति लाइन में आके सबसे आगे घुस गया है, ये ज्ञानी है? अच्छा, ये देखो बाथरूम में घुस गया है, निकलता ही नहीं, हैं? जो भी है, छोटी छोटी परिस्थितियाँ, परंतु या दूसरे को देखकर ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं,
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब हम कहते हैं। अच्छा, फिर ये तो हुई दूसरों के लिए, लेकिन अपने लिए क्या कहते हैं कि मेरे दुख अशांति का कारण, मेरी उन्नति ना होने का कारण दूसरे हैं। ये ऐसी आत्मा है, ये तो देख ही नहीं सकती कि मेरी उन्नति हो, इसने तो ये सोचा हुआ कि इसको आगे बढ़ने ही नहीं देना किसी तरह से, ऐसे ऐसे हम बोल भी देते हैं। या किसी का व्यवहार देखते हैं, इसने तो कभी नहीं सुधरना, अब तक नहीं सुधरा, अब क्या सुधरेगा। और किसी को देखा तो उसकी सारी गलत बातें जो किसी से सुनी हैं वो सामने आ जाएंगी। किसी को देखा उसकी एक भी अच्छी बात सामने नहीं आएगी, सारा सफ़ेद ड्रेस सामने नहीं आएगा, उसमें जो तीन चार काले स्याही के दाग हैं वो दिखेंगे। देखा, ये है। अब हमें देखना है, अगर हम कर्मों की गति को जानते हैं और ये भी जानते हैं जो करेगा सो पाएगा, अगर उसके काले दाग लगे हुए हैं तो मेरी शर्ट पे तो नहीं लगे हुए, वो बेचारे को उसका ख्याल करना है। किंतु हम क्या करते हैं कि जिसको बाबा कहता है अवगुण और पर चिंतन, तो हमारा स्लोगन क्या है? पर चिंतन किस चीज़ की जड़ है? पतन की जड़ है। अब ज्ञान हम सुना, मुरली सारी सुनी, मुरली दूसरे को सुनाई भी, लेकिन जब व्यवहार में आए तो किसी को कहा ये ऐसा है, ये ऐसी है, तुमको पता है इसने ये किया, इसने वो किया। अब बताओ कि जब हम पर चिंतन के उल्टे चक्कर में, पर दर्शन के चक्कर में लग जाएंगे तो हमें अपनी उन्नति का ख्याल, अपने सोच चिंतन का ख्याल, बाबा कहते ज्ञान रतन जो मैं आपको देता हूँ उसको अच्छी तरह से सजा कर अपने अंदर रखने का ख्याल कि जब जिस रतन की ज़रूरत हो वो निकल आए, वो होगा या अंदर कन्फ्यूज़न भरा हुआ होगा, ढूंढना चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा, मौके के ऊपर नहीं मिलेगा, बाद में कहेंगे अरे ये तो ऐसा था, मैंने ऐसे नहीं किया। जैसे बाबा कहता है कि कई लोग बाद में सोचते हैं ये पॉइंट मेरी रह गई, वो तो भाषण में रह गई, जीवन में भी रह जाती है। फिर सोचना और करना, हम कहते हैं मैं ये करना तो चाहता हूँ, हाँ बाबा ने अभी ताजी मुरली में भी कहा है क्या कि हाथ उठवाओ कि श्री राम सीता कौन बनना चाहते हैं, कोई नहीं उठाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण कौन बनना चाहते हैं? चाहते हैं, सब उठाएंगे, हम चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अब फिर लक्ष्मी नारायण बनने के लिए जो दिनचर्या है कि अमृत वेले उठकर बाबा के साथ मुलाकात करना है, उसमें हाजिरी पूछो, एक्टिव हाजिरी पूछो, तो कहेंगे जी करना तो चाहते हैं पर होता नहीं है। ठीक है। अच्छा फिर को व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, तो कहेंगे जी चाहते तो हैं कि व्यर्थ संकल्प ना चलें, लेकिन सदा ऐसा नहीं होता, चल जाते हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ? सोचा कुछ, हुआ कुछ, तो दिल शिकस्त होगा या दिल खुश होगा? जिस व्यक्ति का जो कार्य होता है अगर उसको कुशलता पूर्वक करता है तो उसकी खुशी बढ़ती, जो भी किसी का कार्य है, और अगर उस कार्य को नहीं कर पाता तो निराशा होगी। तो अब देखिए कि राज किसका है। बाबा ने कहा माया शब्द को तो बदनाम ना करो, माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि कलयुग फैला हुआ है, ये युग कलयुग है। अच्छा अब कलयुग ही हमको धोखा दे जाता है,
कि बाबा ने अच्छी तरह समझाया है कि इस समय घोर कलयुग है, मैंने तुमको बचा करके संगम युग तैयार किया है और तुम हमेशा संगम युग में रहना, खिसक कर कलयुग की तरफ नहीं चले जाना। अच्छा, और तीसरी आँख भी दी है कि बच्चे ये तुम्हारी टेस्ट है, ये कभी तुम्हें कलयुग में नहीं जाने देगी, चाहे घोर कलयुग के अंदर चले जाओ तुम न्यारे रहोगे। लेकिन क्या करते हैं, माया का ये इस समय का राज ऐसा है, सच बोलना मुश्किल, सच पर चलना मुश्किल, झूठ बोलना आसान और झूठ पर चलने का फल भी मिल जाएगा, राज ही ऐसा है। अच्छा, खराब गलत काम करना से फायदा दिखता है, अच्छे काम करने में तकलीफ दिखती है, नियम तोड़ने में सामने फल दिखता है और नियम का पालन करने में फल गुम हुआ हुआ दिखता है। तो क्या करते हैं फिर किसी ना किसी की एग्जाम्पल देकर, वो भी ऐसे करता है, बड़े भी ऐसे करते हैं, कौन है जो ऐसे नहीं करता, भगवान के घर में भी ऐसा होता है, चलो जिसके स्टूडेंट हैं जिसको लाए उसका भी नाम साथ जोड़ देते हैं। अच्छा, करने वाले दूसरे लेकिन अपने को बचाने के लिए, तो नतीजा क्या होता है कि मैं राइट हूँ और बाकी रॉन्ग है, या फिर मेरे दुख का कारण ये है। मान लो आप सड़क के ऊपर पैदल जा रहे हैं, या कोई साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जो मुझे कोई टक्कर मार जाए या मैं किसी से टकरा जाऊं। ठीक है, अच्छा, मैं अपने आप को तो अपनी गलती को तो बचाता ही हूं कि मैं ठीक तरह से चलूं, ठीक तरह से चलाऊं, ठीक रास्ते पर रहूं, टक्कर से बचूं, मुझे अपने आप का बचाव करना। लेकिन अगर दूसरा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, चलो मैं तो होश आवाश में हूँ, सोच समझ के चल रहा हूँ, ज्ञान की रोज धारणा करके चलता हूँ, लेकिन सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी का ब्रेक लूज है, किसी ने शराब पी हुई है, किसी का कुछ है, होश उधर चला गया है, वो भी तो मुझे टक्कर मार सकता है ना, तो क्या मैं उसको मारने देता हूँ कि मुझे टक्कर मार दो, फिर मैं कहूँगा गलती बता किसकी है, तेरी है या मेरी है। अच्छा, गलती देखनी है, राइट देखना है, रॉन्ग देखना है या बचाव करना है, तो हम यही करते हैं कि दूसरा ऐसे ऐसे आ रहा है तो पहले से ही बचाव करते हैं, ना कि टकराव करते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं मैं राइट हूँ ना, और दूसरों के पास जाएंगे, सीनियर के पास, मैं राइट हूँ, मेरी राइट बात भी नहीं देखो मानते, और वो रॉन्ग है उसकी सब बात मान रहे हैं, सारा मामला ख़त्म, सारा कर्म का ज्ञान ध्यान सब ख़त्म, पर चिंतन ख़त्म। तो नतीजा क्या होता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर परमपिता परमात्मा से प्राप्त करना चाहते हैं, और जो उन्होंने हमें इतने टाइटल दिए हैं, इतने वरदान दिए हैं कि अगर आप उसकी याद ही करना शुरू कर दें तो दुनिया के किसी व्यक्ति को इतने टाइटल वरदान ऑर्डिनरी गवर्नमेंटों ने भी नहीं दिए हुए। मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी हैं, और एक टाइटल को सोचो तो एक सेकंड में आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है। लेकिन वो सारे किनारे रख के हम पता नहीं कहाँ लौकिकता में फंस जाते हैं, छोटी बात में फंस जाते हैं, राइट रॉन्ग में फंस जाते हैं, लिमिट में आ जाते हैं, बहुत लिमिटेड सी चीज़ के लिए, बिल्कुल पाई पैसे की चीज़ के लिए हम अपने अधिकार बताने शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि कर्मों की गति को समझते हैं, जब उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं तो धोखा हो जाता। आप देखो कि किसी ऐसे इलाके में जैसे रेगिस्तान होता है, अरब कंट्री है,
खूब धूप पड़ती है, खूब रेत है, पानी है नहीं, तो वहाँ पर कौन सी वेजिटेशन उगती है? वहाँ पर केवल कांटे उगेंगे, कैक्टस उगेगा, झाड़ियाँ उगेंगी, कोई अच्छे पत्तेदार पेड़ नहीं उगेंगे, कोई गुलाब के फूल नहीं उगेंगे। अगर वहाँ उगाने की कोशिश करोगे तो मुरझा जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, उसको बचाव के रखना पड़ेगा, धूप से पानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब उसका बचेगा। अब बाबा क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल सूखी दुनिया, दुख की दुनिया, उल्टी दुनिया में स्वर्ग का बगीचा बना रहे हैं, छोटी सी नर्सरी। ये हमारी क्या है, ये हमारी छोटी सी नर्सरी है कि ऐसे बाबा ने चुन चुन करके ऐसे पौधे लगाए हैं, हैं, जिनको बहुत अपने छतर छाया में प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उनको जिसको जैसी खुराक चाहिए, हैं, किसी पौधे को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन हैं सारे फूल। तो वो बाहर कहीं रख दें और उसको उसकी प्रोटेक्शन से हटा दें, वो तो मुरझा जाएंगे, क्योंकि उनके नियम ही दूसरे हैं, हमारे नियम ही दूसरे हैं। तो हम दुनिया की चीज़ों के साथ अपना मुकाबला करने लग जाएं कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू हों, कि दुनिया के अंदर जिसको आज बड़ा गिनते हैं, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी बड़ी मोटर, बड़े बड़े वो भी हों, और ज्ञान में भी मैं स्ट्रांग हों, बाबा का भी इधर भी मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, उधर भी मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, होने वाला है। पहले तो सोचना ही गलत है, क्योंकि जिन चीज़ों के अंदर हम ढूंढते हैं कि शायद ये मेरा दुख, मेरी अशांति ज्ञान से तो दूर नहीं हुई, शायद उससे दूर हो जाए, ये तो और ही बड़ा धोखा है। हम कलयुग के युग को भी भूल गए, ये भी भूल गए कि कलयुग में पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। देखो, बाबा ने हमें मोटी कर्मों की फिलॉसफी बताई हुई है, कलयुग में पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। अगर आप जिसको पुण्य कर्म कहते हो उसको टेस्ट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि पाप ही हो गया। आपने दान किया, आपने मछली को आटा खिलाया, जो कुछ किया उसका एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? आपने हॉस्पिटल खोल दिया कि लोगों की हेल्थ अच्छी बने, स्कूल खोल दिया, लोग शिक्षा को प्राप्त करें, ये पुण्य कर्म है। अगर किसी का स्वास्थ्य कलयुग में अच्छा हो भी जाए तो उस स्वास्थ्य को किस काम के लिए यूज करेगा? वो विषय भोग के लिए। अगर वो पढ़ा लिखा भी हो गया तो किस काम के लिए यूज करेगा? लोगों को चीट करने के लिए। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। अगर आप मछली को आटा खिलाएंगे, मछली को कोई दूसरा खा जाएगा, आपका आटा किसके पेट में गया? अगर आप टोटली देखेंगे तो बाबा ने बता दिया है कि कलयुग में पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता, जिसको पुण्य कर्म कहते हैं। जब हमको ऐसी आँख दे दी फिर भी हम धोखे में आ जाते हैं, तब बाबा ने कहा है कि बच्चे, एक तो युग का ध्यान रखो, सतयुग में जितने कर्म होते हैं उसका क्या नाम दिया हुआ बाबा ने? वो कर्म सुकर्म हैं, अकर्म हैं, विकर्म हैं, कौन से कर्म हैं? अकर्म है, कर्म किया लेकिन उसका कोई आगे फल नहीं बनेगा। जैसे कैश सौदा करते हैं ना, आपने पैसा दिया, चीज़ ले ली, उसके बाद दुकानदार से आपका कोई कनेक्शन नहीं, कोई खाता नहीं खोलेगा वो। तो सतयुग में क्या है, जितनी हमारी प्रारब्ध है उसको हम यूज़ करते हैं, कोई किसी का फायदा नुकसान नहीं कर सकता, हर एक अपनी प्रारब्ध यूज़ कर रहा है, और फिनिश, उसका अकाउंट नहीं बनेगा। अच्छा, अगर द्वापर से आ गए तो आपका अकाउंट बनेगा, जैसे खाता खोल लेते हैं ना उधार का, तो लेने देने का, उसने इतना देना है, उसने इतना लेना है, तो अकाउंट वाले को हर बार ये अकाउंट देखना पड़ता है, भी कितना देना है, हिसाब रखना पड़ता है। और बाबा कहता है कि सारे कल्प में अच्छे कर्म, पुण्य कर्म केवल संगम पर होते हैं, ये भी हम जानते हैं, और इसका प्रूफ है
कि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक चढ़ती कला नहीं है। कुछ भी कर लो, राजा बन जाओ, दान कर लो, अस्पताल खोल लो, डॉक्टर बन जाओ, पंडित बन जाओ, कुछ जमुना में खड़े हो जाओ, गंगा में खड़े हो जाओ, नीचे आना। तो जब बाबा ने हमको कर्मों की गति के साथ समय के भी ज्ञान दिया है तो उस समय संगम का कितना महत्व हो जाता है। एक ही ऐसा समय है जबकि हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, केवल एक ही समय है जिसमें हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, जितनी मर्जी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि करवाने वाला वो है। श्रेष्ठ कर्म भी कई तरह के होते हैं। छोटा सा श्रेष्ठ कर्म, एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म जिससे बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म आगे हो जाएं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय का हमको ये ध्यान देना है, और सिर्फ दो बातें हैं। एक मोटी बात तो बाबा ने बताई है कि अगर हम विकर्मों से, खाते से, उल्टे खाते से, हिसाब किताब जोड़ने से बचना चाहते हैं तो एक मोटा असूल ये है कि सुबह से शाम तक देख लो आत्मा रूप में मैंने क्या कर्म किए और आत्मा को भूल कर क्या किए। जो ही आपने आत्मा को भूला, बॉडी वाली मैं में आए, चाहे आप जोन इंचार्ज हो, चाहे आप ब्रह्मा कुमार हो, चाहे आप संसार में बड़े कुछ भी है, जो ही बॉडी में आए आप लिमिट में आ जाएंगे, आपके कर्म विकर्म जरूर बनेंगे। बॉडी में किया हुआ कोई भी कर्म ना अकर्म बन सकता है ना सुकर्म बन सकता है। ठीक है, मोटा सूल हो गया। तो हमें सारा दिन क्या करना चाहिए? आत्मा, आत्मा बनने के लिए शिव बाबा को याद करना जरूरी है। एक तो ये बात है। दूसरे बाबा कहते हैं कि हमारा जो मन है ना, संस्कार तो आत्मा में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, और आत्मा के संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, वाचा में लाने के लिए, कर्मणा में लाने के लिए मन स्टार्टिंग पॉइंट है। और सब जानते हैं बाबा ने मन मना भव कहा हुआ है। अब इस मन के अंदर, अगर हमारे मन के अंदर बहुत सारे मिक्सचर हैं, बहुत सारी बातें हैं, आलतू फालतू, इधर की उधर की, छोटी लिमिट की, तो उसके अंदर अच्छी बातें भी हैं, तो ऐसे हो जाएगा जो बहुत बड़े ढेर के अंदर दो चार हीरे छिपे हुए हैं, आपकी अंगूठी उसमें गिरी पड़ी है, कुछ और जेवर गिरे पड़े हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, तो आपको कितना इधर उधर करके मिट्टी खोज खोज के उसको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अपने मन के अंदर, आजकल बाबा यही प्रैक्टिस करवाते हैं कि मन के अंदर अगर हमने मनसा और कर्मणा को बराबर करना है, जो हम चाहते हैं वो हो जाए उसको बराबर करना है, तो पहली बात यह है कि मन के अंदर थोड़े से थोड़े संकल्प होने चाहिए। आप देख लो, कोई भी नेगेटिव या गलत काम, चाहे वो क्रोध के वश हो या ईर्ष्या के वश हो या अभिमान के वश हो या चतुराई के वश हो, अपनी बुद्धि के अभिमान के वश हो, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। एक संकल्प किया वो इतना पावरफुल होता है, माया का संकल्प आपको निसोने भी नहीं देगा। आप देख लो, आप किसी से ईर्ष्या कर लो, मान लो आपने यही सोच लिया इस भाई को फुल कमरा मिल गया है, अब मेरे साथ छह भाई रख दिए हैं, अच्छा ये मन में सोच लिया इस भाई को फुल कमरा मिला, अब रात को सो के दिखाओ, आपको वक्त में कहेंगे बाबा को याद करके सो जाओ, सारे अपने सरेंडर कर दो, नहीं, आपको फिर कहेगा कि इस भाई को फुल कमरा मिल गया। एक छोटा संकल्प कितना पावरफुल। अच्छा, क्रोध का संकल्प करके देख लो, छोटा सा पतला सा व्यक्ति जिसमें जम भी नहीं है, अब उसको क्रोध का संकल्प आ जाए तो 10 व्यक्तियों को ऐसे देखता है वो भी डरते हैं, पावर आ गई। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखो, काम विकार के लिए तो कहानियां हैं कि एक व्यक्ति था, उसको उसने नदी पार करनी थी तो मुर्दे को किश्ती समझ के चला गया,
उसको ऊपर चढ़ना था तो सांप को उसने समझा रस्सी है, इतना अंधा। तो आप सोच सकते हैं कि माया के राज में आप कोई भी मायावी संकल्प करोगे तो माया बहुत ताकत दे देगी आपको, लेकिन उसके राज में कोई शुद्ध संकल्प करके दिखाओ, पहले तो ढीला ढाला होगा, मज़ा ही नहीं आएगा, कोई सपोर्टर भी नहीं मिलेगा उसका, अकेले पड़ जाओगे सिवाय भगवान के। इसलिए बाबा कहता है संकल्पों की क्वांटिटी को घटाओ और आत्माभिमानी होकर बेहद और न्यूट्रल होकर संकल्प करो, मेरा फायदा, मेरा ये, मेरा ये, ये मेरा वाला बॉडी कॉन्शियस का है, मैं निमित्त कहाँ गया। घाटा भी होता देख रहा हूँ ना, अपनी रॉयल्टी निकलवानी चाहिए। हम रॉयल्टी खोकर, बाबा कहता मांगने से मरना भला, छीन लिया तो खून बराबर है, शहद मिले तो दूध बराबर, हमारे मुंह से ये निकले कि मुझे कोई सेवा दे दे, मुझे कोई चांस, ये मांगना नहीं है, रॉयल ढंग से मांगना है, हे भगवान मेरा ध्यान कर, मेरी बीमारी ठीक कर दे। तो बाबा कहते रॉयल ढंग से मांग लिया। एक बाबा को तो सब पता है इसको क्या मिलना चाहिए, पूरी मदद करेगा। इसलिए हमें बाबा ने ये काम दिया है कि मन को बजाए ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं विचार आना चाहिए ना, बाबा ने हमको हर प्रकार का काम दे दिया कि देखो, एक तो व्यर्थ संकल्पों को, जो व्यर्थ संकल्प ज़्यादातर पास्ट के होते हैं और उससे फिर फ्यूचर के भी बन जाते हैं, तो फुल स्टॉप लगाने के लिए पहले तो मेरे आगे सारे व्यर्थ संकल्प अच्छी तरह बाबा को याद करके, हे दयालु कृपालु कृपा निधान तोबा तोबा, ये मेरे संकल्प आपके हवाले, और फिर वापस नहीं लेंगे, आ गए तो हम वापस कर देंगे बिच्छू समझ के। अच्छा, तो आप हल्के होंगे, बाबा मदद करेगा। फिर बाबा कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है, तो अब आपको क्या करना है कि सारे विश्व को अपना बेहद परिवार समझकर, ये नहीं मेरे पति को ये हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, ये कोई पॉजिटिव संकल्प नहीं है, बाबा मदद कर दे ना, सारे बेहद की ईश्वर की फैमिली, हम ईश्वर की संतान हैं, उसका दुख दूर हो, इसके लिए बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प उठाओ। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि और ले लो, तुमको हर चीज़ कमानी है मेरी मदद से, ऐसा नहीं मैं हर एक को ऐसे दे दूंगा फिर तो सबको दे दूं। तो प्रकृति के जितने शरीर हमको मिलने हैं और जिस प्रकार की दुनिया में युग में हमने आना है, उसके लिए उसको सतो पर धान भी हम अपनी मनसा से बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा ही तत्वों का सदुपयोग करती है, मनुष्य आत्मा ही तत्वों का दुरुपयोग करती है, उसमें मन है कि अगर मेरा मन सतोगुणी है तो तत्वों को भी मैं सतोगुणी बनाऊंगा। तो पहले तो आज गीत भी हमने सुना, अपनी आँख से ऐसा देखो, अपने कान से ऐसा सुनो, अपने मुख से ऐसा बोलो, ये नहीं कि सारी दुनिया मेरे लिए बनी है बल्कि मैं सारी दुनिया के लिए बनाऊँ। इसलिए बाबा कहता है कि वाचा से ऐसी बात ना निकल जाए जो किसी को दुख दे, ऐसी निकले जो उसको ठंड पड़ जाए, वो आपके पास दोबारा भी आएगा। आपने दुख की बात कर दी, वो भूल के कोशिश करेगा आपके पास दोबारा ना जाए। इसी प्रकार से किसी का अवगुण देख के किसी को वर्णन कर दो, हमारा कोई अवगुण वर्णन कर दे हमको अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं तो हमारी आँख सद्गुण देखे हर चीज़ को, क्योंकि सतोगुणी बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को सुबह से शाम तक मनसा सेवा, अपनी सेवा और सारी दुनिया के दुख दूर करने की सेवा बाबा की शक्ति लेकर, और प्रकृति को सतो प्रदान करने, इतनी सेवाएं जिसको मिल जाए उसके पास टाइम है वेस्ट करने का नहीं है। इसलिए कर्मों की गति का हमारा ज्ञान एलिमेंट्री नहीं है, ड्रामा को ध्यान में रखना है, कुछ भी गड़बड़ हो जाए ड्रामा फिनिश, दोबारा उसको नहीं सोचना है। दूसरा गलती कर रहा है उसका फल मैं क्यों लूँ, गलती वो कर रहा है, वो क्रोध दिलवा रहा है, मुझे क्रोध आ जाए ना, कोई कुछ भी कर ले, हम कमल पुष्प के समान हैं, इसके लिए हमें निमित्त भाव बहुत ज़रूरी है।
कि बाबा हम निमित्त हैं, जो कुछ आप अच्छा करवा रहे हो वो आपके निमित्त है, नेकी कर दरिया में डाल, अभिमान किया तो मैं आई, फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। ओम शांति। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।